करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग एक्शन 3 योद्धा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल और बवाल लग रहा है। ट्रेलर में एक्शन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में हमें दिशा पुरानी और अक्षय खन्ना भी एक साथ देखने को मिल रही है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दोनों में से किसके साथ रोमांस करेंगे तो देखने की बात होगी। इसी के साथ में अक्षय खन्ना के डायलॉग भी बहुत ही बेहतरीन योद्धा मूवी के अंदर रखे गए हैं। इतना नहीं बल्कि मूवी का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बवाल लग रहा है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ये फिल्म एक नेक्स्ट लेवल होने वाली है, इसलिए इसे पोस्टपोन भी किया गया था। तो आइए बात करते हैं कि इस मूवी का ट्रेलर कैसा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह की वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें इस मूवी की कहानी की। योद्धा मूवी की कहानी की बात करें कि आखिर हमें मूवी के अंदर क्या कहानी दिखाई जाएगी, तो योद्धा मूवी के अंदर एक सोल्जर की कहानी होने वाली है जिसकी पूरी टीम का नाम योद्धा होता है और वह टीम किसी भी रूल को नहीं मानती और इसलिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है। और सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जाती है, पर तभी सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी योद्धा प्लेन में जा रहा होता है और वही प्लेन आतंकवादी द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और बाकी सारे लोगों को बताया जाता है कि यह हाईजैक किसी इंडियन सोल्जर के द्वारा किया गया है और सभी को पता होता है कि प्लेन के अंदर योद्धा मौजूद है, तो वह इस प्लेन को कैसे बचा लेगा। योद्धा मूवी की स्टोरी में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहां उनके पिता का रोल रोहित रॉय ने प्ले किया है। वह भी इंडियन आर्मी में योद्धा के सोल्जर होते हैं और किसी तरीके से वह शहीद हो जाते हैं, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी योद्धा टीम में जाना होता है और यह टीम योद्धा टीम ही हो जाता है। स्टोरी इतना ज़्यादा कमाल की नहीं है, पर योद्धा मूवी में हमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगी और यही मूवी की सबसे बड़ी सही साबित होने वाली है। मूवी का ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, जिसने भी इस ट्रेलर को एडिट किया है उसे ओवर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया है। शुरू से लेकर आखिर तक ये ट्रेलर आपको इंगेज करके रखता है और आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी अभी दूसरी जगह पर नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही इंटेंस फाइट सीक्वेंस हमें योद्धा मूवी के ट्रेलर में दिखाई जाती है। इसी के साथ में इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही बेहतरीन है और जितने गाने भी रिलीज किए गए थे वे भी बवाल थे। हमें तो ऐसा लग ही रहा था कि योद्धा मूवी को गाने से भेजने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए गाने उतने ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है। बाकी सब कुछ योद्धा मूवी के अंदर ही कमाल का है, फिर चाहे इसकी सिनेमैटिक से लेकर बैकग्राउंड स्कोर लो, इसके ट्रेल की एडिटिंग लेकर सब कुछ बेहतरीन है। मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट उसका एक्शन होने वाला है, क्योंकि मूवी के अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा बवाल है। जितना भी एक्शन दिखाया गया है जब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि केवल हीरो ही सभी को मारता जा रहा है, बल्कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के साथ फाइट कर रहा है। किसी किसी जगह पर तो वह विलन से ही मार खा रहा है। वह बाथरूम वाला एक्शन तो आपने सीन देखा ही होगा, उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। जिसने इस मूवी को कोरियोग्राफ किया उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सबसे बेहतरीन एक्शन तो हमें योद्धा मूवी के ट्रेलर के आखिरी में देखने को मिलता है, जहाँ वह एक वन टैक एक्शन होता है, एक दो जगह पर बस कट लगाया गया है और बाकी वह फाइट थिएटर के अंदर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब बात करें इस मूवी की कास्ट की, तो मूवी की कास्ट के अंदर हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय खन्ना और दिशा पटानी देखने को मिलने वाली है और इसके साथ में रोहित रॉय में सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता के रोल में देखने को मिल सकते हैं, पर उनका ज़्यादा रोल मूवी के अंदर नहीं होगा। दिशा पटानी एयर होस्टेड बनी है तो वो भी हमें ज़्यादा दिखाई देने वाली में से नहीं है। अक्षय खन्ना सिद्धार्थ मल्होत्रा की लव इंटरेस्ट है और एक स्पाई एजेंट भी है, तो आतंकवादियों से डील भी करती है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें एक सोल्जर के रूप में दिखाया जाने वाला है जो इस प्लेन के हाईजैक से लोगों को बचाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके एक्शन करने वाले हैं। अब बात करें इस मूवी के रिलीज डेट। योद्धा मूवी का ऑफिशियल रिलीज डेट हमारे सामने आ चुकी है कि ये फिल्म थिएटर के अंदर हमें कब देखने को मिलेगी, तो इसकी रिलीज डेट 15 मार्च रखेगी और यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका रहा हूँ कि योद्धा मूवी के अंदर भी कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं हुआ, इसलिए इसे पोस्टपोन किया जा रहा था। पर करण जौहर बहुत ही स्मार्ट है, उन्होंने यू मूवी को इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा बवाल है, अगर यह एनिमल के टाइम पर आती तो एनिमल के नीचे दब जाती, इसलिए करण जौहर ने योद्धा मूवी को पोस्टपोन किया। मूवी अब ऑफिशियल डेट 15 मार्च 2024 को रिलीज होगी और यह 15 दिन के अंदर हमें थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। और देखने के बाद ये मूवी कैसी है और आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप भी कोई अपडेट मिस न कर सके। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, बाय बाय।